बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज मेरा मौजू है दिमाग की कमज़ोरी, इसकी वजूहात, अलामात और इलाज। इस तकलीफ़ में दिमाग या इसके किसी हिस्से में खून की सप्लाई कम जाने लगती है, जिससे दिमाग कमज़ोर हो जाता है। इसकी चंद एक वजूहात हैं। आम कमज़ोरी की वजह से दिल का कमज़ोर होना, खून की कमी, क्रॉनिक नज़ला ज़ुकाम की वजह से भी दिमाग कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा दिमाग को खून की सप्लाई में किसी रुकावट के बायस भी दिमाग कमज़ोर हो जाता है। नाकस ग़िज़ा के बायस इसकी वजह से जो अलामात सामने आती हैं, इस तकलीफ़ की वजह से मरीज़ को चक्कर आने लगते हैं, आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, सितारे उड़ते दिखाई देते हैं, कानों में शोर होने लगता है, गशी होने लगती है, चेहरा जर्द हो जाता है, पट्ठे अकड़ने लगते हैं, शिद्दत की वजह से पागलपन भी हो जाता है। इसलिए आपको HB चेक करवाना चाहिए ताकि खून की कमी का पता चल सके। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल करवाना चाहिए, ये खून का टेस्ट है, ताकि ब्लड कोलेस्ट्रॉल और दीगर चकनाइयों को देखा जा सके, क्योंकि इनकी ज़्यादती की वजह से शरियाने तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से खून की सप्लाई में रुकावट होती है। मरीज़ को सादा और ताकतवर ग़िज़ा देनी चाहिए। सुबह नाश्ते में सेब और दूध देना चाहिए, सर्दियों में गाजर का जूस देना चाहिए, अगर शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करना चाहिए। अब मैं आपको बायोकेमिक नुस्खा बताऊंगा जो इस तकलीफ़ में अक्सर का दर्जा रखता है। कालीफास 6x, नेट्रम्योर 6x, कैल्केरिया फास 6x, फिरम फास 6x। ये मेडिसन आप दिन को, कॉम्बिनेशन आप दिन को 4 मरतबा दे सकते हैं। इस बायोकेमिक नुस्खा के साथ आप दिगर होम्योपैथी मेडिसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।